Namaste. Hello, ladies and gentlemen. Let me extend a warm welcome to all of you. ठीक है. इतना formal मत हो. बहुत relaxed आए हैं सब लोग. काफी serious भी हैं सब लोग ऐसा. पहली बार तुमने life में सही बात की है. सही. A big, big hello to all of you and let's get on with the show. Yes. So please script के हिसाब से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम बहुत बहुत सारी बातें करने वाले हैं खतरो के खिलाड़ी की जो कि हुआ इस बार. Argentina में. Argentina. ऐसा. हाँ. अर्जुन भाई जैसे. लेकिन हम कुछ भूल ही रहे. हम तो सिंदूर लाना भूल गए. वो तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ. और कुछ भूल रहे हैं. और स्क्रिप्ट के हिसाब से अर्जुन वॉइस एकोज ऐसा कुछ. तू है क्या? या तुम हमेशा की तरह मुझे भूल रहे हो. हेलो, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. क्या बात है, जोरदार तालियां. मेरे जो खिलाड़ी हैं मेरे बिना ही शुरू हो गए. क्या बात है. नहीं, मजा आ रहा है होस्ट करने में. हम इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. वो तो दिख रहा है. वो तो दिख ही रहा है बिल्कुल कि तुम कुछ भी कर सकते हो. कैसे हो आप यू गाइस? मेरे दोनों खिलाड़ी भूल गए मुझे बुलाना. मेरे बिना ही होस्टिंग शुरू कर दी. आदत हो गई है मेरी तो. मेरे तरह अर्जेंटीना कभी पीड़ा कभी कीड़ा करना शुरू कर दिया. रात को भी आवाज आती है कभी. नींद में भी आवाज आती है हमें इनकी. और वैसे तुमने क्या कमाल के कपड़े पहने हैं. थैंक यू. मतलब मच्छरों का ध्यान रखते हो. जाली पहन के आई. मच्छरदानी. मच्छरदानी ओढ़ी है. वेरी वेल प्लान्ड आई मस्ट से. और बाकी छोटा सा एक टॉवल भी लाइए साथ में. कुछ प्रॉब्लम ना हो. मेरी बालिका वधु. नहीं, बालिका वधु आएंगे बाद में. पर पहले हम ये तो बताएं कि हम जब अर्जेंटीना गए थे या मैं कहूं अर्जेंटीना गए थे. एक्चुअली एक चीज बताना चाहता हूं आप सबसे. मैं उस ऐतिहासिक दिन के बाद मिल रहा हूं जब ये शो अनाउंस किया गया था मेरे साथ. और आप सबके दिमाग में ये थॉट तो चल रहा होगा कि यार ये होस्ट करेगा खतरों के खिलाड़ी. अच्छा चलो देखते हैं क्या करेगा. अच्छा अर्जुन कुछ समझ भी नहीं आ रहा. कुछ मैच नहीं हो रहा. कर पाएगा नहीं कर पाएगा. अरे ये बहुत यंग है क्या किया होगा. चलो देखते देखेंगे. अरे करेगा करेगा. तो जब आप सब ये सोच रहे थे मैं भी ये चाहता था कि आप सबको दिखा पाऊं कि एक बार कुछ ठान लेता हूं तो करके ही दिखाता हूं. तो मैं दिखाना चाहूंगा एक छोटी सी झलक जो हमने अर्जेंटीना में मस्ती मजाक कीड़ा पीड़ा क्या 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 किया है. देखिए जरा. मैं हूं अर्जुन कपूर. और शायद आप लोग ठीक ही सोच रहे हैं मैं किसी को डरा सकता हूं क्या. किसी की वाट लगा सकता हूं क्या. हवा टाइप कर सकता हूं. इतनी पीड़ा. लेकिन आप सब तो जानते हो कि मैं कितना स्वीट हूं. तो मैंने इनका बहुत ध्यान रखा. इन्हें अर्जेंटीना घुमाया. टीम्स बना दी ताकि स्ट्रेस कम हो जाए. हर साल खतरों के खिलाड़ी में आप अकेले अकेले खेलते हैं लेकिन इस बार आप सब टीम्स बनाकर खेलते हैं. आपको अपने आप के लिए नहीं पूरी टीम के लिए खेलना पड़ेगा. इन्हें खिलाया. इनकी खूबसूरती का ध्यान रखें. कभी फिल्मी रायता नहीं लगता साहब आपकी बॉडी से. चौपलों का स्टंट देख के हमार तो भेजा ही लुलुई का. पता नहीं हमार चांस कब आए. बहुत सारी सेल्फीज भी. मेरा पर्सनल कैमरा टॉप टू द हैंड.
प्यार किया। मैं क्या करूँगा और? I love you too. You mind if I call you पारो? जब तक यहाँ कोई देवदास नहीं बनता, I'm fine नहीं कॉल पारो। अरे तेरे लिए तो देवदास भी बन जाऊँ पारो। पारो एक तरफ ये देसी पारो, एक तरफ ये अर्जेंटीनियन चंद्रमुखी जूली। ये शो तो मुझे देवदास बना के ही छोड़ी। कुछ भूला क्या? ओ हाँ, कीड़ा। लेकिन कहाँ मेरा कीड़ा? अरे सब कुछ तो इन्होंने किया, तो मैंने क्या किया? खाने की बात जब होती है ना, तो मैं थोड़ा लालची हो जाता हूँ। यानी इस बार टाटा जी का प्रेजेंस खतरो के खिलाड़ी कभी पीड़ा कभी कीड़ा पावर्ड बाय रेड चीफ शोज में क्या हुआ? कुछ खास नहीं। शुरू करें। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। From Tata Motors presents Khatro ke Khiladi powered by the Chief Shoes. 30 January se har shanivar rivivar aur 9 baje sirf cars par. तो चलिए आपसे देख सकते हैं ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, बस आज ही घूम के वापस आए। कितना शांत हुए। यादाश ताज़ा हुई तुम दोनों? Oh God, कुछ ज़्यादा ही ताज़ा होगी। पर तुम दोनों तो यार बाकी कहाँ हैं? अरे बाकी बहुत भाव खा रहे हैं। आप चाहो तो मैं, आप परमिशन दो मुझे एक बार, मैं सबको बुलाता हूं एक करके। बेटा पूरा शो खत्म हो गया, तूने आज तक बात करने के पहले परमिशन ले ली, आज ले। ये जो दिन है ऐतिहासिक, राघव जो है बिल्कुल नहीं बोलते जैसे कि आप सब जानते हो, और जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा बोलते हैं कि कान पक जाते हैं। तो आज तुमने परमिशन लिया, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज बुलाइए, जो जिया जी करेंगे वही करूंगा। लेकिन हम उनको बुलाएंगे एक डिफरेंट स्टाइल में। बेसिकली आप इतने दिन हमारे साथ अर्जेंटीना में रहे, तो अगर हम आपको क्लूज देंगे तो आप पहचान सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? चलिए कोशिश करते हैं। अगर तो स्टार्ट करें। पहला बंदा इतना भोला, मतलब कि गाय शर्मा जाए उससे। गाय तो फिर भी गोबर करती है, वो तो वो भी नहीं करते हैं। सच्ची बहुत भोले, मतलब एंड दूसरे जो भयंकर मुस्टंडे हैं, और जब चलते हैं तो कोसों दूर गांव की लड़कियां बोलती है, उई माँ आई ला वो आलिया के साथ पिक्चर में था वो, हाय हुकु हाय हाय, व्हाई इज ही नॉट कमिंग टू मी, व्हाई 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 व्हाई, क्या बात है। yes. ये है हमारे वड़ा गाय हिमांशु और आई ला, किधर है सिद्धार्थ शुक्ला जी? क्या बात है, कम ऑन। क्या बात है, बालिका मधु भाई साहब। ओके ओके, सो ये है आपके दो जो दो खिलाड़ी आ गए अर्जेंटीना से लौट के अभी अभी आए हैं। एक तो बिल्कुल तबेले में रहता है गाय, बहुत भोले हैं। बस कर अब बस कर भाई, लोग कंफ्यूज आ जाएंगे किसकी बात कर रहा है तू। तो मेरे दोनों मुस्टंडो, आप जो दो गुड लुकिंग हैंडसम हंक्स हो, मुझे इतनी कॉम्पिटिशन दी आपने शो में गुड लुक्स और गुड लुक्स के साथ, क्या कर रहे हो तुम भाई? बेटा बस मेरे पीछे ये शो में एग्जैक्टली ये बंदा यही उनके पास था माइक। एक सेकंड, नहीं रुक जाइए, ये आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल, जो आप एडिट में नहीं देख पाओगे मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब स्टंट समझा रहा हूँ, राघव और सिद्धार्थ यही कर रहे हैं। आंटी होती ना गॉसिप करने, वो देख मैं कह रही हूँ ये होने वाला है, और ऐसे ही एक उस पार से इस पार, हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे भाई स्टंट सुन लो, मुश्किल स्टंट है, डिफिकल्ट है करना, नहीं ऐसे ही ये इंसान, इसीलिए मैं कह रहा था जब बोलते बिना भी
दिमाग खराब कर सकते हैं आदमी। तो जब बोलते सोचो क्या करते होंगे। चल बहन चुगली करते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। अब अगला किसको बोलेंगे? अब जो नेक्स्ट है, वैसे सना तुम्हें कुछ कुछ होता है, बहुत सालों से होता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें देख के भी किसी को कुछ कुछ होता है। इनको बहुत लोगों को देखे हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उनके साथ जो आ रही है वो जितनी हॉट है उतनी स्ट्रिक्ट है, यू नो दैट इज। देखिए आपको देख के जो इतना कुछ कुछ हुआ था वो तो एक ही है हमारे। मुझे पता है अब कौन आने वाला है। तो एक ही हमारे एक्चुअल खिलाड़ियों के खिलाड़ी युवराज, हमारे हॉकी प्लेयर। और उनके साथ जो स्ट्रिक्ट, आप जो कह रहे हो स्ट्रिक्ट एकदम स्पोर्ट्स वुमेन की तरह, हमारी ऐश्वर्या। क्या बात है, आइए ये गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए इस आदमी को। जितने शांत और सुशील लगते उतने ही बड़े कैसनोवा है ये। इनको वैलेंटाइन डे की जरूरत भी नहीं पड़ती अपना इश्क का इजहार करने के लिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो कह दो सना को कि ये झूठ है। कह दो हम सबसे कि ये झूठ है। नहीं नहीं मैंने तो उसी दिन कह दिया कुछ कुछ होता है। सर मुझे देख के क्यों कह रहे हो ये? क्या है सना को देख के? हाँ, फिर से बोली दीजिए सना, कुछ कुछ होता है आपको देख के? क्या बात, ऐश्वर्या आप कुछ बोलना चाहेंगी इस बारे में? ओ हाँ, देखिए ये जीसी चैनल की पब्लिसिटी के लिए आए हम, पारिवारिक चैनल है। ऐश्वर्या की आवाज थोड़ी बैठी हुई है सर, तो हम आगे बढ़े। कुछ तो बोलिए, काश तेरी आवाज भी बैठी होती यार। चलो ओके। हाँ जो अब जो नया आ रहा है, इससे पहले मैं भूल जाऊँ स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो मुझे मेरे साथ कोप अप करिए। कॉर्पोरेट विद मी। यस कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अपेरेंटली। सो जो अगले आ रहे हैं मैं उनको बताऊंगा नहीं, बल्कि एक्शन करके आपको बताऊंगा। आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? दिखाओ बेटा। ठीक है एक मिनट, यही बचा है। रैंप वॉक होता है, म्यूजिक चलता है, आपको पता है मॉडल्स आती हैं, चलती हैं। करके दिखाने उसके बाद भी आप बतोगे? आप तो इंडस्ट्री से, आपको तो पता है वो कैसे कैसे होता है। अभी बोला कि तुम बोलो, अभी तुमने बोला कि मैं कहूंगा करके दिखाऊंगा और तुमने कह दिया। अरे क्रेडिट तो चलने दो पिक्चर के, फिर चालू करता हूं। चलो करो यार। हां ओके, बहुत फुट आते हो तुम। पहला तो ये जब चलती है तो साउंड इफेक्ट भी करती है, मतलब पीछे से आता है, मैंने देखा टीवी में। अच्छा, पापा मम्मी जाते थे तो देखते, मतलब ये कौन सा शो था जो पापा मम्मी जाते थे उसके बाद देखते थे तुम? मॉडल्स चलती है वो, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पहन के नहीं चलती। अच्छा, जैसे इन्होंने बिल्डिंग पहनी है। हाँ ये वाली बिल्डिंग, दिस 2 BHK। ओके ऑन अ सीरियस नोट, इससे ज्यादा सीरियस क्या करेगा तू? जो अगली है हाँ, उनको तो आप जानते हो, द टैन क्वीन। क्या टैन क्वीन? टैन क्वीन वो टैन भी हुई थी वहां धूप में अर्जेंटीना में, और ऊपर से टैंगो भी करती हैं। सो शी इज द टैन क्वीन। वो लंबी लंबी टैंगो वाली, या वो लाल ड्रेस पहन के एक दिन आ गई थी, वो लाल दुपट्टे वाली, उसका नाम तो बता। या वो चार बहनों वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए प्लीज और पारो। साउंड इफेक्ट बताओ कब चलती है तो क्या? प्यार की कहानी सुनो। क्या बात है, क्या बात है, आपकी टैंगो को देख के अर्जेंटीना की याद आ गई। कोई नहीं समझा मेरा ह्यूमर, ये शो में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली आप में समझ गए। माय सटल सेंस ऑफ ह्यूमर इज नॉट गोइंग टू बी कॉट। हां नहीं वो तो ए भी में दिख गया क्या पकड़ना था, वो तो हो गया पारो। एक्सपोज कर दिया मुझे चैनल वालों ने पहले ही ए भी के साथ, देवदास बना के छोड़ दिया आप लोगों ने।
अब आगे कौन बचा? चलो बताओ कैसा लगा, बेचो शो को। कैसा रहा वहाँ का सफर? मेरी तारीफ करो, चलो मेरी तारीफ करो। हाँ कम ऑन, कुछ तारीफ वारीफ करो मेरी। दोस्त है ना, माइक पास किया करो, कितना बोलती हो तुम दोनों। वेल गुड इवनिंग एवरीवन। अर्जुन आप बहुत हॉट लग रहे हो, बिल्कुल भी देवदास नहीं लग रहे आप। एंड इंडस्ट्री की चमक धमक लड़के को कैसा बना देती है, पहले मेरे को बोलती थी। तेरी दाढ़ी बढ़ गई है बहुत, चेहरा नहीं दिखता। ये देवदास बन गया अभी पारो। आपको कैसे लग रहे हो देवदास की तरह? भाई वो यूरिया लग गया था गलती से तो। कोई नहीं देखेगा हमारा शो अगर ऐसा ह्यूमर है शो में बेटा। आई थिंक अभी हम नेक्स्ट जो नेक्स्ट है हमारा बंदा, जब वो अपनी शर्ट उतारता है तो खंभे भी झुक जाते हैं। उनके मतलब गले तक पैक आते हैं, दो तो गिर जाते हैं, फिर उनको निकाल के लगाने पड़ते हैं, इतने पैक हैं। और मेरे में कोई ऐप नहीं है, देखो साफ सीधी बात, बिल्कुल सीधा आदमी हो। सो नेक्स्ट जो है आप गेस करिए कौन है। उनके बॉडी को देख के खंभे झुक जाते हैं, खंभे झुक जाते हैं, मतलब लड़कियां पागल हो जाती हैं, महिलाएं मतलब पूछिए मत आप कैसा ऐसा होता है। स्त्री, बिल्कुल स्त्री, पुरलिंग, स्त्रीलिंग। हाँ तो खंबा खड़ा भी हो सकता है, मतलब ना हाँ, खंबा झुकता नहीं है सिर्फ, हाँ, खड़ा भी हो सकता है। आइए विवाद आ जाइए। चलिए कपड़े उतारिए। नहीं जिस जिस वजह से आपको शो पे लेके गए थे दिखाई दीजिए। आपने सना से ज्यादा कपड़े पहने, वो तो देखेंगे। प्रीव्यू दिखा दो एक बार, प्रीव्यू दिखा दो एक बार। भाई मैं मर जाऊं। चलो एक खंभा खड़ा हो गया, आगे बढ़ो। ये बहुत गलत पब्लिसिटी हो रही है शो की, मैं बोल रहा हूँ लोगों को फियर फैक्टर होने वाला हमसे इस शो के बाद। anyway, लेकिन अब जो आने वाले आप उनकी साइज में, I mean, साइज आप उनकी साइज पे मत। क्या कर रही हो आप? उनको बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि दोनों ही दोनों छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, और एक ही तो झलक ही आपको पागल कर देगी। कौन है? तुम तो यहीं पर हो। एक कंट्रोल हो गया नहीं, हमारे जो पिछले सीजन के विजेता हैं, हमारे छोटे पैकेट के बड़े धमाके फैजल, और जो आज आई है, आज जमा ही मेरी, आज जमा ही मेरी, आज जमा ही मेरी। अरे यार आप लोग बच्चे लोग को नाइट में कैसे अला कर सकते हो? चलिए पूरी स्टार्कर्स आ गई ना, सब आ गए हैं, सब आ गए, सब हो गया। अरे वो कहां है जिनका आपसे चक्कर चल रहा है? जय भानुशाली नहीं, हमारे तीन और कंटेस्टेंट्स हैं, तनीषा, जय और टीना। ये देखिए धन धनन जिस नाम भूल गई है कंटेस्टेंट, और टीना जो यहां पे नहीं आ सके, लेकिन आप उनको हमारे शो में डेफिनेटली देखेंगे। फिर क्या होगा? फिर बहुत मजा आएगा। फिर किसका क्यों था अगला? अच्छा वैसे अर्जुन, एकदम मुजफ्फरनगर आ गए इनने। इतने पर्सनल जोक्स मार रहे हैं, लोग सोच रहे हम अर्जेंटीना नहीं गए, हम अंधेरी जाके वापस आए। तो अभी राघव की मैंने इतनी तारीफ नहीं किया, तुम ही कर दो। वैसे तारीफ तो आपको करनी चाहिए थी, लेकिन अब आप मुझसे कह रहे हैं, तो आप सब तो जानते ही कि राघव एक बहुत ही अच्छे डांसर हैं, साथ में एक्टर हैं, और उसके साथ वो इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि राघव जब भी कोई स्टंट हो, जितना भी सीरियस हो, वो कभी वो सीरियसली नहीं करते थे, और अब तक वो एक बार भी शो पे सीरियस नहीं हुए हैं। तो क्यों राघव? क्योंकि मैं सिर्फ हॉस्पिटल में सीरियस होता हूँ। लोग जब बोलते हैं आई एम सीरियस गाइस,
तो मैं हॉस्पिटल जाके देखता हूँ ना, तो होना ही हो एक दिन लाइफ में, क्यों सीरियस होना है, आखिर में पढ़ा ही रहना है सीरियस। राघव ऑनेस्टली तो हॉस्पिटल में भी सीरियस नहीं होता। हाँ बेस्ट। मैं सीरियसली एक बात करना चाहूंगा इस बंदे के बारे में, एक्चुअली कुछ कह ही नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। ये वो पहला इंसान है जिसने मेरी भी बोलती बंद करवाई थी, तो होस्ट पहली बार चुप बैठा जब ये आदमी बात करता है और इतनी बकवास करता है। खैर आपको अंदाजा तो लग गया होगा, यूरिया लगा के आया शक्ल पे, ये कोई चीज होती बोलने की प्रमोशन पे, दाढ़ी उग गई है तो इतना बोला करो ना। चलो अब और किसकी तारीफ करनी है? सना तुम्हारी तारीफ कौन करेगा? मैं कर लेती हूं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं अपनी फेवरेट हूं। तुम्हारे बात तुम सच बात बताओ, बाकी कपड़े का तुम्हारे यार। स्टॉप इट। ओके ओके ठीक है। माई तुम कुछ कहना चाहोगी सना के बारे में? मुक्ति बोलने वाली है। मुक्ति तुम कहना चाहोगी? जिसको कहना कह दो, सना ने जिसको पैसे दिए बोल दो जल्दी से भाई। हेलो एवरीवन, I just want to say कि 1998 में शायद सबने कुछ कुछ होता है, of course पूरी इंडिया ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने देखी है, but finally ये लड़की student of the year बन गई और इसके बाद खिलाड़ी भी बन गई। ये award show नहीं चल रहा, बस पिक्चरों के नाम लिए जाए। और अब उसकी उम्र हो गई है। I would like to give this mic to the host। तो ठीक है, पर उसने कपड़े चेंज नहीं किए, जो कपड़े वो तभी पहनती थी वही पहन कर ये अभी भी पहन रही है। Sorry, I think मैंने मुक्ति को अच्छे से पे नहीं किया था। चलिए जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये मिलने वाला है आपको। ये रहा खतरों के खिलाड़ी। खिलाड़ी आओ, बम फटेगा और आप सबको चिल्लाना है, बस ये आपका अगला स्टंट। लेकिन ओके, अब क्या करना था इसके बाद? अब वो हमसे कुछ पूछेंगे। सीनियर नहीं है ना आज, बहुत प्रॉब्लम है। हां और आपने देख लिया कि हमने क्या उठ पटांग हरकतें की। ब्रो जस्ट टेक इट इजी, आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्या क्या किया। जब मैं ये शो साइन करने जा रहा था तो मेरी मुलाकात चैनल के कुछ लोगों से हुई थी और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डरा हुआ था, मैं कंफ्यूज था कि क्या रूट पकड़ना चाहिए एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज समबडी हु सो यंग इन द प्रोफेशन आई मीन। और ये शो इतने सालों से चला आ रहा है कि एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, एक सर्टन लेगेसी है इस शो की। सो देयर वर सर्टन पीपल आई मेट फ्रॉम द चैनल एंड फ्रॉम एंडेमोल, एंड आई थिंक वी आर स्टैंडिंग हियर टुडे, इट्स द करेक्ट प्लेस। शायद आप ये टेलीकास्ट करोगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इज द करेक्ट प्लेस टू से दैट वी हैड एन अमेजिंग टाइम एंड आई थिंक वी रियली वर एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी गिवन ओनली बिकॉज ऑफ कलर्स एंड एंडेमोल। एंड देयर इज वन पर्सन हु आई हैव हैड मेनी क्रिएटिव डिस्कशंस विद, आई वुड कॉल देम डिस्कशंस इन इनवर्टेड कॉमास, एंड शी कन्विंस्ड मी दैट दे आर वेरी क्लियर अबाउट हाउ दे इमेजिन मी, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट दे thought of me bigger and better than what even I had imagined, and they've given me an amazing platform to go out there and have fun and meet such wonderful people and do such a fantastic show. So I would like to call, aap aaoge na upar, aao creative discussion karne aaja upar, the representative from the channel today to have a creative discussion. Manisha, would you like to say something? Say something na, say something nice about me. Arjun is really good on the show. Thanks. He's all my team over there is lusting after him after this or the first episode. मैंने कपड़े नहीं उतारे शो में, फिकर मत कीजिए, वो सिर्फ विमान नहीं था। नहीं सिर्फ सिर्फ मेरे ऊपर लस्ट कर रहे पूरे शो वाले, पूरे चैनल वाले, but लस्ट क्या होता है? इन्होंने पूछा लस्ट क्या होता है? हवस। मैंने चुपचाप पूछा आपको, बिल्कुल हवस। Okay, but on that note, we're open. Y'all can throw all your questions at us. बस उठा के फेंक दो। And let's go for it. आइए पहले फोटो अपने।